वेलकम टू माई YouTube चैनल। आज है सीजन के पहली पालक आई है। मतलब नॉर्मली तो जो हम खाते हैं वो हमेशा आउट ऑफ सीजन होती है, बट ये थी ताजी। तो पालक को तो पानी में भिगो के रख दिया था, थोड़ा सा गरम मसाला मैंने पीसा, आज सिलवट पे पीसूंगी। तब तक मेरे पापा आ गए थे तो उन्हें मैंने खाना दिया। वैसे मेरे पापा को जनरली खाना इतना पसंद नहीं आता, पर जब भी हमारे घर में दाल भात चोखा बनता है ना, तब मेरे पापा को हमेशा ही मन कर जाता है दाल भात चोखा खाने का, इसलिए उन्होंने बोला हाँ दे दो। और वह वैसे भी ना मतलब इस चीज़ के बहुत ज़्यादा शौकीन है, उन्हें कोई भी बड़ी सी सब्ज़ी भी दे दोगे ना तो भी वो नहीं खाते, बट ये सिंपल खाना उन्हें बहुत पसंद है। उन्हें दिया, उनके बाद मैंने यहाँ पे धनिया रोस्ट किया। उसको जब तक रोस्ट किया तब तक उसमें ना अच्छी से एक महक सी नहीं आ जाती ना बढ़िया वाली, तब तक रोस्ट करना है। उसके बाद उसे निकाला, उसके निकालने के बाद जब वो हल्का सा ठंडा हो गया तो मैंने यहाँ पे सिलवट को घेरा और उसके बाद मैंने इस पे सारे मसाले रखे। फिर इन सबको धो के, मतलब सिल और बट्टे को धो करके मैंने इसको पीसना शुरू किया। पीसने में टाइम ज़्यादा लगता है बट सब्ज़ी बहुत ज़्यादा स्वाद बनती है, बहुत ज़्यादा स्वाद। उसके बाद इसे बारीक एकदम पीसना है। मैंने अभी लाल मिर्च को एकदम लास्ट में पीसती हूँ क्योंकि फिर क्या होता है ना मेरा हाथ जलने लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लाल मिर्च को अलग से पीसा। और उसके बाद वैसे हाथ तो दोनों टाइम में ही जलता है बट मेरी मम्मी कहती है ऐसे हाथ कम जलता है, तो मैं बोलती हूँ ठीक है। फिर उसको पीस के एकदम बारीक किया और उसे भी मैंने सिलवट से उठा लिया। उसके बाद अब क्या करा, मैंने थोड़ा बहुत ऐसे पानी डाल के जो भी मसाला चिपका हुआ था ना उसको भी मैंने हटाया। फिर मेरी मम्मी आ गई यहाँ पे धोने के लिए पालक, क्योंकि मेरी मम्मी को विश्वास ही नहीं होता है साग और पालक के टाइम पे। तो उसे धो करके फिर हम इसे कढ़ाई पे चढ़ा देंगे ताकि ये गले और हमारी पालक पनीर बनाने की शुरुआत। तो सीज़न की पहली पालक हो और उसे पालक पनीर ना बनाया जाए ऐसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पालक पनीर के लिए पालक को गलाना शुरू किया। उसके बाद मैंने देख लो आज इतने बड़े वाले पतीले में हम लोग चावल बना रहे हैं, क्योंकि पालक पनीर घर में ऑलमोस्ट सबको पसंद है मुझे छोड़ के। मुझे पालक पनीर बिल्कुल भी ज़्यादा ऐसे क्रेज़ नहीं है पालक पनीर का, मुझे मटर पनीर पसंद है जिसकी ग्रेवी जो होती है ना, मतलब जिसका जो रासा होता है वो थोड़ा ऐसे पतला टाइप का हो चावल के साथ खाने में, मुझे उस टाइप का पसंद है, बट कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने यहाँ पे सब्जी बनाना शुरू किया, पर मेरी मम्मी ने नया नया ना चरौरी लेकर के आई थी जिसे फ्राइम्स भी कहते हैं, उसको मैंने तलना शुरू किया। मुझे ये सब खाना बहुत पसंद है, चटरपटर। मेरे घर में स्पेशली खाना मेरे लिए ही आता है क्योंकि मेरे फैमिली वालों को पता है कि मैं ज़्यादा शौकीन हूँ और मुझे चाहिए भी होता है। तो उसी तेल में फिर मैंने डाला जीरा, जीरा के बाद थोड़ा सा तेज़पत्ता डाला, तेज़पत्ते से स्वाद काफ़ी अच्छा आ जाता है। मेरे पापा पनीर भी खरीद के ले आए थे तो वो भी सामने ही रखी हुई है क्या करो यार, बहुत ताम झाम होता है डिनर बनाते वक्त। फिर भी यार कोई सब्सक्राइब नहीं करता, कोई लाइक नहीं करता है, प्लीज़ यार ज़्यादा से सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियोज़ और क्या। तो यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे ना तीन बारीक प्याज कट करके डाले। पता नहीं क्यों प्याज इतनी महंगी हो जाती है यार, हमेशा जब देखो तो प्याज ही महंगी होती है। फिर ये हमारा मसाला है जिसमें मैंने दो प्याज को कूच करके सिलवट पे ही ऊपर से डाल लिया था, उससे क्या होता है ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। और जैसे ही ये सिलवट वाला मसाला कढ़ाई में जाता है ना, उफ इसकी जो खुशबू होती है वो पूरे गली मोहल्ले में फैल जाती है, इतनी अच्छी इसकी खुशबू होती है। उसके बाद जैसे ही ये मसाला गया, थोड़ा सा तेल ऊपर आने लगा, तो हमने डाला इसमें लाल मिर्ची और हल्दी। थोड़ा संभाल के ही डालना पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी हमने पीसा भी, और हमारे घर की मिर्ची थोड़ी तेज़ भी होती है क्योंकि हम लोग घर में खुद ही पीसते हैं। थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला और उसके बाद उसे हमने मिक्स करने को दिया। मिक्स करने के बाद ना जैसे ही उसका तेल ऊपर आने लग जाएगा हमें उस टाइम तक का वेट करना है। तो उसका जब तेल उतर आ जाएगा तब तक क्या हुआ, मेरे चावल हो गया, मैंने उसका माड़ पसा लिया। और ना थोड़ा सा सावधान रहना पड़ता है माड़ पसाने के वक्त में, आप इधर उधर नहीं हिल सकते वरना वो सारा कुछ आपके ऊपर गिरेगा और आप जल भी सकते हो काफ़ी ज़्यादा, इसीलिए थोड़ा बड़ों की निगरानी में ही करना चाहिए सब चीज़ें। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरा मसाला जो है अच्छे से तेल छोड़ने लगा तो मैंने इसमें डाल दिया टमाटर। टमाटर हमें अच्छे से एकदम मलाई की तरह गलाना है, मतलब करछी से मार मार के ना उसे थासना है ताकि वो टमाटर से ना सॉलिड सॉलिड ना दिखे, एकदम मशी मशी हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, हमें थोड़ा सा पानी डाल करके उसे ढक देना है वरना हमारा मसाला जल जाएगा, और उसे ढक करके करेंगे ना तो स्टीम भी अच्छा खासा होगा। तब तक मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मेरे पालक की प्यूरी बना लूँगी। हैंड ब्लेंडर से बहुत ईजी होता है क्योंकि ये गरम गरम भी पीस जाता है, वरना मिक्सर में तो पूरा ठंडा करो फिर पीसो और बहुत बड़ा तामझाम, इससे अच्छे से घुमा दो और बढ़िया वाला हो जाता है। पहले तो हम जब छोटे थे ना तो हमारी मम्मी सिलवट पे ही सारा मसाला, मतलब ये पालक भी पीस देती थी, बट अब हमें इतनी शक्ति नहीं है कि मैं सिलवट पे मसाला भी पीसूँ पालक भी पीसूँ, तो मैं ये थोड़ा जुगाड़ करके हैंड ब्लेंडर से यूज़ कर लेती हूँ। जैसे ही हमारा मैंने ढक्कन हटाया तो सारे टमाटर गल के एकदम बराबर हो गया था, पनीर मैंने काट दी थी, उसके बाद खुशबू मैंने लिया और मसाले का खुशबू
बहुत अच्छा आ रहा था। थोड़ा सा फिर मैंने तेल ऊपर आने का वेट किया और जैसे ही तेल भी ऊपर आ गया तो मैंने इसमें डाल दिया पालक। ये पालक का प्यूरी डाला और इसको भी अच्छे से भुनने दिया। पालक पनीर में ना नमक थोड़ा संभाल के डालना पड़ता है क्योंकि पालक में ऑलरेडी नमक होता है इस वजह से। तो इसमें जितना भी सारा पतीले में पालक लगा हुआ था मैंने सारा एक एक चीज़ रख लिया अपनी ग्रेवी में, क्योंकि असली टेस्ट ना उसी का ही आता है। और उसको अच्छे से घुमाया मैंने और उसे भुनने दिया 8 से 5 मिनट तक के लिए। जैसे ही वो भुन गया उसमें उसका कलर चेंज हो गया, उसमें डाल दिया मैंने पनीर। और इसको ज़्यादा हम लोग लिक्विड नहीं बनाते हैं, थोड़ा से थिक टाइप का ही रहता है, वरना पालक पनीर में ज़्यादा पानी कौन ही खाता है। अब मुझे पता है कि पालक पनीर में धनिया दिखता नहीं है बट इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, हाँ एकदम बढ़िया वाला। तो बस उसके बाद हमने ये सब किया और पालक पनीर को पनीर के साथ अभी हम कुक होने देंगे ताकि सारे मसाले वगैरह उसमें आ जाए। थोड़ा सा पानी डाला, किचन को साफ़ किया क्योंकि किचन मुझे गंदा बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे कोई भी चीज़ गंदी ज़्यादा नहीं पसंद है। हाँ ऊपर नीचे हो जाता है बट इतना भी नहीं। गाइस तो अभी अभी जस्ट मैं सब्ज़ी बना के आई हूँ, रेसिपी पूरी शूट की है और मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। आज स्कूल में ज़्यादा देर बैठे बैठे तो नहीं हो रहा क्योंकि मैं बैठी तो थी थोड़ा बहुत, इतना तो बैठना ही पड़ता है, इट्स नॉट अ बिग डील। बट मेरे कमर में मैं जैसे आई और मैं आई घर में और मैंने जैसे कुछ सामान उठाने के लिए अपना ऐसे झुकी, मेरी कमर तब से पकड़ी हुई है सच में, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। एंड कोई बात नहीं छोड़ो जाने दो, वैसे भी आजकल मेरी ज़िंदगी में इतना दर्द है ना जितना किसी की ज़िंदगी में नहीं हो सकता। मैं बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रगल कर रही हूँ अपनी लाइफ से। तो मेरे पापा मम्मी कुछ दिन पहले गए थे खाटू श्याम, तो वहाँ के श्याम बाबा के दर्शन तो बहुत ज़्यादा अच्छे हुए, बहुत ज़्यादा अच्छे। मतलब करवा चौथ वाले दिन मेरी मम्मी गई थी, मेरी मम्मी करवा चौथ का फास्ट नहीं रखती हैं, तो करवा चौथ का मेरे पास कोई कंटेंट ही नहीं था। बस ये था कि एक तो मेरी तबीयत ख़राब थी और बस कंटेंट में यही था कि मैं डोसा खा रही हूँ, मोमोज़ खा रही हूँ जो कि मैं हमेशा ही खाती रहती हूँ, तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं। तो करवा चौथ का कंटेंट मिला ही नहीं मुझे क्योंकि मेरी मम्मी ने व्रत नहीं रखा, मेरी मम्मी ने रेडी नहीं हुई, तो मैं क्या ही आपको दिखाऊं, बताऊं क्या ही दिखाती मैं, इतनी दुखी। तो फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, मैंने मस्त खाना खाया, खाना ऑर्डर किया हमने, खाना खाया और मस्त एकदम। और फिर उसके बाद मैं स्कूल गई तो उधर भी कुछ ऐसा कुछ खास था नहीं कॉन्टेंट के नाम पर। स्कूल में काम करने जाते हैं कॉन्टेंट में तो थोड़ी ना जाते हैं। तो मेरी मम्मी को शॉपिंग करके लाई है घाटू श्याम से। पहली बात तो मुझे समझ आता है घाटू श्याम बोलते हैं कि खाटू श्याम बोलते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेक्ट करना क्या बोला जाता है, क्योंकि मैंने तो ज़्यादातर यही सुना है खाटू श्याम या घाटू श्याम में, तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ रहती हूँ। बट कोई बात नहीं, तो मेरे वहाँ से मेरे पापा मम्मी बहुत सारा अच्छा अच्छा पेड़ा और प्रसाद लाते हैं जो ड्राई फ्रूट का होता है, फिर एक प्रसाद होता है ड्राई फ्रूट और मिश्री का मिक्स, तो दोनों ही लाए थे। तो मैंने तो अपने अपने जहाँ जहाँ मैं बांट सकती थी मैंने बांटा, मैं स्कूल में भी लेके गई थी, प्लस पेड़े लाए थे जो कि बहुत ही अच्छे थे, मतलब मज़ा आया खा करके। तो वो सब तो खा पी के हमारे पेट में जा चुका है तो वो तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, बट जो सामान मैं दिखा सकती हूँ उसको ही दिखा देते हैं। तो सबसे पहले ऐसे दुपट्टे लाई है मेरी मम्मी, या वर्क देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है ना, ऐसे जगमग जगमग कर रहा है। और ये वाला दुपट्टा ना मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगा, मेरे पापा तो कह रहे थे क्या लेना है, बट मेरी मम्मी को अगर एक चीज़ पसंद आ गई ना तो फिर आप मम्मी को नहीं रोक सकते। ये देखो, और ये पहले बात खासियत क्या है कि इसमें जो ये बांधनी जो वर्क हुआ है ना वो बहुत अच्छा है, मिरर्स का काम है और कॉटन पे है पूरा, और इसकी ना चौड़ाई भी बहुत अच्छी खासी है। मतलब अगर आप चौड़ाई की बात करते हो तो चौड़ाई भी बहुत अच्छी है, फिरोजी रंग भी बहुत अच्छा है, और मेरी मम्मी के पास ऐसा कलर था भी नहीं, तो ये बहुत बढ़िया। मतलब मैंने जैसे इसे देखा ना मुझे प्यार हो गया उस दुपट्टे से, तो इसे हम ओढ़ ही लेते हैं। दूसरा दुपट्टा जो है वो भी बांधनी में है, बट वो मेरी मम्मी ने थोड़ा सा सिंपल लिया है क्योंकि इसका गोटा पट्टी का काम है, ऐसे जिगजैग करके गोल्डन गोटा पट्टी है, बांधनी है, और ये ना कॉटन का नहीं है, ये कुछ होता है ना मतलब बहुत ही मसलिन टाइप का फैब्रिक है, एकदम एकदम हल्का सा, एकदम बहुत ही हल्का लाइट, एकदम गर्मियों वाले दुपट्टे हैं ये। साथ ही में इसका कलर देख रहे हो आप ऐसा है, इस पर वाइट कलर की बांधनी है, तो ये वाला दुपट्टा भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे काफ़ी पसंद आते हैं, मुझे दुपट्टा इसका काफ़ी शौक है। और उसके साथ मेरी मम्मी ना स्पेशली लाख की चूड़ियाँ लेके आई है जो वहाँ की मार्केट में सबसे ज़्यादा फेमस एक मार्केट है, मुझे नहीं पता मम्मी क्या नाम बता रही थी, तो वहाँ से बहुत सारी चूड़ियाँ लाई है लाख की। तो ये है पहली चूड़ी है, ये रेड और रेड येलो एंड हरी रंग की, और इसका देखो काम देखो आप कितना बढ़िया काम है यार, देख रहे हो कड़े है ये लाख की चूड़ियाँ नहीं सॉरी कड़े हैं, और कितना बढ़िया काम है। थैंक गॉड आज मैंने नेल पेंट लगा रखे, थोड़ा और अच्छा दिख रहा है, देखो
देखो अच्छा लग रहा है ना मुझे, मतलब मैंने अभी ये सारा सामान देखा, मेरी मम्मी को आए हुए 2 दिन हो गए पर मैंने देखा ही नहीं। आज मम्मी ने मुझे दिखा दिया, मेरी मम्मी एक्चुअली अलमीरा सेट कर दी थी तो मैंने बोला चलो मैं दिखा देती हूँ, सब लोग तो दिखाते ही हैं, सब तो दिखाते हैं, उनके इतने सारे लाइक सब्सक्राइब आते, मेरे तो कुछ भी नहीं होता है, तुम लोग करते ही नहीं हो यार, क्या करूँ। दूसरी जो चूड़ी है वो है मतलब कड़े कड़े कड़े, तो ये वाला मुझे काफ़ी, ये पर्सनल मेरा फेवरेट इसीलिए लगा क्योंकि आप इसके कलर कॉम्बिनेशन देखो है ना, कितना अच्छा है यार, ये किसी भी ड्रेस के साथ जा रहा है, प्लस इसका जो ग्रीन है ना उफ, ये भी बहुत बढ़िया है, देखो ऐसे मम्मी स्पेसिफिकली ये नहीं लाई कि मैं ये इसके लिए लाई हूँ, मैं इसके लिए लाई हूँ, लाई है, सब अपनी अपनी पसंद से चेंज कर करके पहन सकते हैं। अब मैंने जब बोला मम्मी मुझे ये वाला पसंद है तो मम्मी ने बोला ठीक है तू पहन लियो जब तेरे को दिवाली वगैरह पे पहनने का मन करेगा, तो ये देखो ये वाला करो। और आप ना मैं आपको सारे कड़े दिखाऊंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाना कि आपको कौन से कड़े पसंद आए। दूसरे कड़े जो हैं वो बहुत सिंपल से हैं, ये देख रहे हो आप, ये कलर देखो आप मल्टी कलर है ना, ये देखो इस पे जो बूटी का वर्क हुआ है, प्लस इसके ना ये मेरी मम्मी बता रही थी कि नग चिपकाने का बहुत बड़ा वहाँ पर प्रोसेस होता है, मतलब गर्म कर करके ऐसे नग चिपकाए जाते हैं, मेरी मम्मी ने लाइव वो सब देखा एक्सपीरियंस किया, और देखो कितना शाइन भी कर रहा है ये, और इसका कलर भी बहुत प्यारा है, खासकर मुझे जो ये ऐसे ऑरेंज ऐसे शेड आ रही है ना वो ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ना। एंड लास्ट है ये कलर, ये भी मल्टी कलर है बट ये मेरी मम्मी को बहुत पसंद आया है, पता नहीं क्यों, तो ये वाला देखो आप, ये वाले कड़े भी बहुत अच्छे हैं, मतलब कलर कॉम्बिनेशन मेरी मम्मी ने बहुत किलर लिया है, वरना मुझे लगता है मेरी मम्मी की पसंद ही अच्छी नहीं है बट कहीं कहीं अच्छी भी है, तो देखो आप ये भी आपको मैं अच्छे से कप फुल लुक दिखाती हूँ, बढ़िया लग रहा है। और आप सोच रहे हो कि इतने ज़्यादा क्यों, भाई औरतें भी हमारे घर में बहुत ज़्यादा हैं, 4 औरतें हैं, मतलब लेडीज़ को मिला लो तो कोई ना कोई फेस्टिवल पे पहनना ही पड़ता है, तो ऐसे कोई ज़्यादा भी नहीं लाई है मेरी मम्मी। दूसरा मेरी मम्मी एक ये चीज़ लाई है, ये हैंडमेड है, ये सिंदूरदान है, ये हैंडमेड है बिल्कुल, तो इसमें ना हाँ वो घाटू श्याम का चढ़ाया हुआ सिंदूर भी रखा है मेरी मम्मी ने, और मेरी मम्मी को ये चीज़ भी बहुत पसंद आई थी, फिर मेरी मम्मी ने आगे जाके देखा तो पीतल के भी थे बट मेरी मम्मी ने एक ले लिया था, फिर सोचा अब क्या ही बार बार लेना, तो ये एक लाई है। और एक और चीज़ लाई थी हाँ मेरे भाई के लिए, मेरे भाई को कड़ों का बहुत शौक है, पहनता एक भी नहीं है, बहुत सारे उसने मंगा मंगा के रखे हैं, तो ये कुछ इस तरीके का है, पीतल का नहीं है, ये नॉर्मल है, देखो गोल्डन पीतल टाइप का लग रहा है, मुझे तो ऐसे गुंडे वाली वाइब आती है ना, मतलब ऐसे जो लोग पहनते हैं ठक ठक, कोई नहीं अच्छा लग रहा है, इस पे लिखा भी है जय श्री श्याम, तो अच्छा लग रहा है ये कड़ा, मेरा भाई कब से ढूंढ रहा था, और पता है मैंने व्लॉग मैंने हॉल वीडियो बनाने के हम लोग पहले 15 मिनट तक ये सारे सामान ढूंढे हैं क्योंकि मेरी मम्मी रख के भूल गई थी कहीं, बट फाइनली ये मेरी मम्मी को मिल चुका और ये भी मैंने दिखा ही दिया है। तो बस यही सारा कुछ सामान था जो हम लोग मेरी मम्मी घाटू श्याम से लाई थी, और क्या सामान आपको ज़्यादा पसंद आया कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो मैं डिनर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ, चलो फिर। तो मेरा डिनर ये रहा, तो पालक पनीर है, राइस है, अचार है, और जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे पसंद है वो है ये, तो यहाँ पे मैं ले आई थी अपना डिनर, डिनर में था पालक पनीर, गांव का अचार, और इसे हाथ से ना सान सान के मतलब कि मिक्स कर करके खाने में जो स्वाद है ना वो चम्मच से तो बिल्कुल भी नहीं है, पालक पनीर बहुत टेस्टी और लजीज बना था, उसके साथ था प्याज, और गांव का जो हमारा अचार होता है ना देख रहे हो आप मैं इसे दिखा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा स्वाद वाला होता है, खट्टा इतना था कि मेरी तो ज़बान पर एकदम खट्टास आ गई, क्योंकि मैंने आजकल अचार खाना थोड़ा कम कर दिया है क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा खाने लग गई थी मैं, और उसी के साथ ना ये चरौरी जो है इसको ऐसे तोड़ के खाने में जो स्वाद आता है ना उफ, मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ,
मैं आपको क्या ही बताऊं, और इतना यमी एंड लजीज खाना खाने के लिए ना आपको मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि मैं इतनी यमी यमी जो रेसिपीज़ डालती हूँ वो आप लोग इसे देखें भी, पसंद भी करें, और बेल आइकन भी दबा देना, सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए स्टे विद मी, स्टे विद केपी सिन्हा व्लॉग्स। बाय बाय।